नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुरैना जिले में ओला वृष्टि के सही ढंग से सर्वे न होने की वजह से प्रदेश का किसान परेशान हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पहाड़गढ़ ब्लॉक के किसानों के मुआवजा राशि में घोटाला हुआ है। धोबनी और अन्य गांवों में मार्च महीने में पानी और ओले की बारिश की वजह से किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, जिसको देखते हुए सरकार ने प्रदेश के सभी किसानों को मुआवजा राशि देने की योजना चलाई है, जिसमें पटवारी और आला अधिकारी के द्वारा घोटाले का मामला सामने आ रहा है। पहाड़गढ़ ब्लॉक के धोबनी गांव में किसानों को मुआवजा की राशि नहीं मिली है। जब हमारी पुलिस वाला टीम धोबनी पहुंची तो और किसानों से सीधे बात की तो बताया कि हम लोग बहुत परेशान है। पिछले महीने पानी और ओले की बारिश की वजह से हमारी सारी फसल खेत में ही बर्बाद हो गई। ना तो सरकार की कोई सहायता राशि हमें मिली है और ना ही कोई अधिकारी सुन रहा है। हमने पटवारी से कहा तो सुनने को तैयार नहीं है। अब ऐसे संकट में हम कोरोना के बचाव के लिए सरकार के आदेश का पालन करें कि अपनी मुआवजा की राशि के लिए अधिकारियों के चौखट खटखटाएं। देखिए पुलिस वाला की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, पुलिस वाला न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जिला मुरैना ब्लॉक पहाड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले गांव धोबनी में, जहां पर किसानों की किस प्रकार हालत हो रही है वो आपको रूबरू कराएंगे। एक ओर जहां सारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो किसी व्यक्ति को, किसानों को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, इसकी सहायता के लिए पूर्ण प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारियों की वजह से लोगों तक, किसानों तक यह लाभ नहीं पहुँच पा रहा है, जिसको आज हम देखते हुए ग्राम धोबनी में किसानों से मिलने आए कि क्या ऐसी क्या परेशानी है, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनको आज पैसा नहीं मिल रहा है। ओले की जो बारिश हुई थी उसके कारण इनकी फसल बर्बाद हो चुकी थी और सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया, लेकिन पटवारी, कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनकी वजह से उस मुआवजा इन लोगों तक नहीं पहुंचा। आज देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान हैं और ऐसी महामारी में किसके पास जाएं। अगर इन लोगों की सुनवाई ना हो ऐसी क्या परेशानी है, हम जानना चाहेंगे ऐसे ही एक व्यक्ति से जो विकलांग हैं कि ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से उनको आज यहाँ तक आना पड़ रहा। और पास में कहीं वहाँ से जिला कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, आरआई साहब, सभी से संपर्क साध चुका हूँ और अपने सारे दस्तावेज जमा कर चुका हूँ। जब भी जाता हूँ तभी से वहाँ आश्वासन के कुछ नहीं देते, कहते हैं आज कुछ दिन घर बैठो, बार बार परेशान मत हुआ करो, आपके पैसे आ जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अभी जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें आपके जो सहायता राशि आई है उसका क्या सरकार के द्वारा आई है, आपके पास पहुँच पाई है? नहीं, खाते में नहीं आई, सर्वे हो गया है, नामांकन लिख के ले गए, लेकिन सर्वे सूची के हिसाब से उन्होंने पैसा नहीं बांटा है। जिन लोगों ने कुछ उस पैसे में से कुछ शेयर पटवारी से कर लिया है, सिर्फ उन्हीं लोगों के पैसे खाते में आए, बाकी अन्य लोगों के खाते में आज तक पैसा नहीं आया। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकार के हर उस आदेश को मानने के लिए तैयार हैं जिससे कि हमारे देश का भला हो, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हुए। दादा, ऐसी क्या परेशानी आ गई जिसकी वजह से आप लोग इतने परेशान हैं? सर, मुझे ओले के पैसे नहीं मिले हैं और कई बार पटवारी के यहाँ घूम गए, सर्वे के टाइम पे हम बुलाए थे, सर्वे करके चले गए थे, पर मुझे आज एक पैसा नहीं मिला है और मैं विकलांग आदमी हूँ सर, और मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। लगभग ऐसे कितने किसान हैं जिनको ओलावृष्टि का पैसा नहीं मिला है? किसान कम से कम 50 लोग यहाँ रह चुके हैं इस गांव के अंदर। गांव का क्या नाम है? धोबनी। किस जिले में आता है? मुरैना जिले में आता है सर। ब्लॉक कौन सा लगता है आपका? ब्लॉक लगता है पहाड़गढ़। पटवारी का नाम क्या था? पटवारी का नाम साहब जोरा रहता है कुशवा, और मैंने कलेक्टर साहब आए थे यहाँ पे, उनके सामने एप्लीकेशन 50 आदमी का बनवा के दिया था और फिर मैं घर पर बुलवाया, कागज ले लिए, आज तक कोई सुनवाई नहीं है मेरी। क्या परेशानी है दादा? अरे परेशानी क्या भैया, पैसा ना मिलो और एक दिन के मोड़ा मेरे कोरोना में फंसे हैं, अब क्या करें महाराज, ना कोई ना सुनते। क्या मामला है दादा आपके गांव में, क्या परेशानी आएगी आज? अरे अगले साल गाँव में ओले पड़े, ओले महीने में हमारे को मुआवजा नहीं मिला। सरकार के द्वारा तो मुआवजा दिया गया है? दिया गया है, लेकिन आप लोगों तक नहीं पहुँचा? नहीं मिला। और सर्वे करने आए थे तो आपके नाम वगैरह लिख के ले गए थे? लिख के ले गए पटवारी। लगभग कितनी बीघा जमीन थी आपकी? हमारी है 10 बीघा है। सब पटवारी द्वारा नाम लिख के ले गए थे? नाम लिख के कागज ही नहीं ले, तो नाम भी नहीं, मतलब नाम भी नहीं लिख के ले गए, फसल पूरी बर्बाद हो गई ओले के कारण। कोई पैसा नहीं मिला है अब तक आपको?
और ना ही कोई अधिकारी आपके पास जांच करने के लिए आया।